जैन साथियों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब ये अच्छे होंगे। साथियों अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 नोटिस जारी किए गए हैं। तीनों नोटिस को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही सबसे पहला जो नोटिस है वो है आपका, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जॉब वैकेंसी है उनकी डिटेल दी गई है, यानी कि यदि आप भी सीसीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है, तो पहला नोटिस है इस संबंध में। जो दूसरा नोटिस जारी किया गया है वो दूसरा नोटिस जारी किया गया है जो हमारे एग्जाम होने हैं LLB BA LLB और हमारे LLM के, तो उसके लिए जिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है उन बच्चों की यदि कॉन्टेक्ट डिटेल गलत है तो उसको सही करने के लिए आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल सही कर सकते हैं। तो जो आपका दूसरा नोटिस है इस संबंध में जारी किया गया है। और जो हमारा तीसरा नोटिस है वो है हमारा जो 4 कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारा BPED है, MPED है और हमारा MED है और LLM है, तो इन 4 कोर्सेज के लिए जो लास्ट डेट थी वो हमारी 10 जुलाई थी। 10 जुलाई तक हमारे फॉर्म फिल होने थे लेकिन उस डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना यदि आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है MED के लिए, LLM के लिए या BPED के लिए या फिर MPED के लिए, तो अब आप 20 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा नोटिस आपका इस संबंध में। तो साथियों आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।